this video, we will discuss MCQs of circles of previous years of IIT mains by very very shortcut methods. So first sum is, first MCQ is, let A node A1, let A node A1, A2, A3, A4, A5 be a regular hexagon inscribed in a circle of unit radius, जिसका radius क्या होगा, 1 होगा. तो आपने ये product of the lengths, इनकी जो lengths, product of the lengths निकालना आपने, क्या होगा. सबसे पहले हमें एक hexagon बनाया, ठीक है, जो कि एक circle के अंदर बना हुआ है, जैसे कि मैंने diagram पहले ही बनाई हुई है. तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें जो भी रेगुलर हेक्सागन या कुछ भी होता है, उसका सबसे पहले सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका हमें नॉलेज होनी चाहिए. तो ये जो सेंटर पे एंगल बनता है हमारे पास, ये होता है 1 to 2 pi, मतलब 2 pi अपॉन नंबर ऑफ साइड्स. तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स 6 है हमारे पास, तो 2 pi/6 दैट इज़ π/3 बनेगा. तो ये जो सेंटर पे एंगल बना ए नोट ए ओ ए वन हमारे पास π/3 बना. अब क्योंकि जो ओ ए नोड है और ओ ए वन है, ये क्या हमारे पास सर्कल के रेडियस है, तो इनकी लेंथ इक्वल है. इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. इट मीन्स तीनों एंगल, यदि दोनों एंगल इक्वल होंगे, एक 60 का है हमारे पास, तो इट मीन्स ये भी 60 के होने चाहिए. तो इट मीन्स जो हमारे पास ट्रायंगल बनी है ए नोड ए वन ए नोड ओ ए वन, जो ट्रायंगल बनी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है. सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है. तो इसमें यदि हमने साइन फार्मूला लगाया, इसमें कोसी ट्रायंगल में ए नॉट ओ ए वन में साइन फार्मूला लगाया. साइन फार्मूला क्या होता है, साइड अपॉन ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइड. तो ए नॉट अपॉन ए वन के ऑपोजिट एंगल है साइन 60 इज इक्वल टू ओ ए नॉट, ये साइड ली हमने, इसके ऑपोजिट भी एंगल साइन 60 है. तो इस तरह ओ ए नॉट की वैल्यू, क्योंकि रेडियस है ये 1 आ जाएगा, तो इस तरह से ए नॉट ए वन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 1 है. अब इसी तरह से यदि आपको एंगल्स क्लियर हो गए तो इसको आप एकदम से क्विकली कर सकते हैं. एक बार हम एंगल फिर से डिस्कस कर लेते हैं. ये 60 का बना, तो ये भी 60 का बनेगा, ये वाला एंगल 120 का बनेगा सारा. तो इट मीन्स ये ऑपोजिट एंगल भी 120 का हो गया. एंगल ए नॉट ओ ए टू, ये भी हमारे पास 120 का हो गया. अब क्योंकि ये रोम्बस बन रही है, ए नॉट ए वन ए टू ओ हमारे पास रोम्बस बन रही है, और ये येलो से जो मैंने किया है ये आपका बाइसेक्टर है, रोम्बस का बाइसेक्टर होगा. तो इट मीन्स ये जो एंगल 60 का बना था, तो इसका हाफ करेंगे तो ये 30 का बनेगा. इस तरह से ये भी एंगल 30 का है, इसी तरह से आपके पास ये भी एंगल 30 का है, इसी तरह से हमारे पास ये वाला एंगल भी 30 का है और ये भी 30 का है. तो 30 + 30 ये 60 हो गया एंगल ये वाला. इसी तरह से ये एंगल भी 30 है, 30 + 30 = 60, ये 60 का हो गया. इसी तरह से ये जो एंगल बना ये 60 का हो गया. तो ये जो येलो शेड किया मैंने, ए नॉट ए टू ए फोर, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है. तो जब हमें एंगल्स क्लियर हो जाएंगे तो इसके बाद हम साइड्स क्विकली निकाल सकते हैं. तो अब उसी तरह से अब जो ट्रायंगल ली हमने, ए नॉट ए ओ ए टू ली, इसमें ए नॉट अपॉन ए टू, ए नॉट अपॉन ए टू के ऑपोजिट एंगल 120 है, साइन 120 आ गया, इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए वन, ए नॉट ए वन के ऑपोजिट ये एंगल हमारा 30 डिग्री का, इतना एंगल 30 डिग्री का है. तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास, इनकी वैल्यूज पुट करके ए नॉट ए टू की वैल्यू निकाल ली √3. इसी तरह से ट्रायंगल ए नॉट ए टू ए फोर, ये हम एंगल्स अभी डिस्कस किए हमने, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें भी साइन फार्मूला अप्लाई करके ये √3 आ जाएगा. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास. इसी तरह से सेकेंड MCQ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट यदि इसको आप इसको समझ के करोगे, अच्छे से करोगे इसको, तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब नहीं है. सबसे पहले गिवन हमें अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए. एक सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल में बना है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाई है, तो इसकी साइड हमें ए गिवन है, ये देखो ये ए गिवन है. उसके बाद एरिया ऑफ द सर्कल स्क्वायर निकालना है जो कि सर्कल के अंदर बना है, तो उसकी डायग्राम हम सेकेंड बनाएंगे. एरिया ऑफ द सर्कल स्क्वायर निकालना है, जैसे कि सेकेंड डायग्राम मैंने बनाई है, तो ये इंस्क्राइब इन द स्क्वायर है. अब क्या है हमारे पास, ये तीनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है. सबसे पहले हमें सिर्फ इसी पार्ट को सॉल्व करना है कि एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल, यदि एक ट्रायंगल के अंदर यदि हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर यदि सर्कल बना हुआ है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है,
आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है, और एस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, जो कि आपको अच्छी तरह से नोन है। ए प्लस तीनों साइड को ऐड करना है, बाई टू करना है। तो इस तरह से आपने जो आर निकाला, रेडियस निकाला सर्कल का इन टर्म्स ऑफ द साइड जो गिवन था हमें, उसकी टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है कि जो स्क्वायर है इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल है उसका एरिया निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये हमने एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया, तो ये आएगा, ये जो येलो शेड किया मैंने, ये आप देख रहे हो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इसमें सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगा के हमने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि टू आर स्क्वायर है। हमें एक्स स्क्वायर चाहिए क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एक्स स्क्वायर ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ थी आपके पास। तो इसमें हमने सिंपली आर की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई सिक्स। इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इसमें सोचने की ज़रूरत है, और तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एकदम घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसको थोड़ा सोचना है। इसको दो पार्ट्स में भी कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे एक ट्रायंगल बना ली पहले, उसके अंदर स्क्वायर बनाया, फिर उसके अंदर रेक्टेंगल बनाई, तो इस तरह से काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। यदि आप इसको सेपरेट वे से करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।